दोस्तों आजकल अगर कोई किसी को स्टार बना सकता है तो वो है सोशल मीडिया। आए दिन ना जाने कैसी कैसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, और आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं वीडियोस में से आपके लिए कुछ खास वीडियो ढूंढ कर लाए हैं जिन्हें देखकर आपके पूरे दिन का टेंशन कूल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं हम एक गजब के इंसान से। ये हैं इस सदी के सबसे बहादुर आदमी। अब आप पूछेंगे कैसे, जरा इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे वीडियो थोड़ा पुराना जरूर है, मगर इस आदमी का कॉन्फिडेंस देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, इस आदमी की हाइट कम होने के बावजूद इस आदमी ने बदतमीजी करने वाले लड़के के साथ जो किया वो हर किसी के बस की बात नहीं है। ये बंदा हाइट कम होने की वजह से घर के अंदर से चेयर लेकर आता है, और फिर इस चेयर पर खड़े होकर इस लंबे से आदमी को जड़ देता है एक जोरदार थप्पड़। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। क्यों भाई, मजा आ गया ना ऐसी बहादुरी देखकर? इस आदमी की बहादुरी के लिए भाई एक लाइक तो बनता है, फटाफट लाइक कर दे। दोस्तों आप तंबाकू खाने वालों के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कहीं भी किसी से भी तंबाकू मांग कर हाथ में बस मलना शुरू कर देते हैं। ये वीडियो इस सिलसिले में नंबर एक का है, क्योंकि ये आदमी अपनी स्कूटर सड़क के बीच में खड़ी करके रास्ते के किनारे खड़े होकर तंबाकू मलने में बिजी है। इधर रास्ते में गुजरने वाले लोगों को कितनी परेशानी हो रही है इसका उसे कोई ख्याल ही नहीं है। बस ये तो मगन है भाई तंबाकू खाने में। हद कर दी भाई तुमने बेवकूफी की, क्या ही बोले अब। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, यार। दोस्तों आपने अक्षय कुमार का ये डायलॉग तो सुना ही होगा, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। क्यों, सुना ही नहीं? ठीक कहा है अक्षय भैया ने, लड़कियों का चक्कर बहुत ही खतरनाक होता है, और ये वीडियो इसका पक्का सबूत है, जरा गौर से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, लड़के ने जैसे ही लड़की को नाव में चढ़ाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लड़की तो किसी तरह नाव में चढ़ गई, लेकिन लड़के का जो हाल हुआ आए वो तो बस देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। लड़की का चक्कर भाई, लड़की का चक्कर। खैर कई बार ना लालच के चक्कर में काफी ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। कुछ ऐसा ही हुआ इस वीडियो में, जिसमें पति पत्नी एक बाइक से गुजर रहे थे, और बीच सड़क पर पति को एक मोबाइल पड़ा हुआ दिखता है, और वो अपनी पत्नी को मोबाइल लेने के लिए कहता है कि भाई जाओ मोबाइल लेकर आओ। जब वो मोबाइल के पास जाती है तो मोबाइल अपने आप ही पीछे हो जाता है। पता चलता है कि कुछ लड़कों ने मोबाइल में रस्सी बांध कर रखी हुई है और वो पीछे खड़े थे। जो भी हो, लेकिन पति के लालच की वजह से पत्नी को बिना किसी मतलब के शर्मिंदगी उठानी पड़ी। भाई जरा लालच कम करो यार। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। दोस्तों अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक माँ रेलवे स्टेशन पर अपनी दो बेटियों के साथ सो रही थी। इसी बीच अचानक से एक अनजान आदमी आकर इनके बीच में सो जाता है, ताकि लोगों को लगे कि ये उन्हीं में से एक आदमी है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहां से एक मोबाइल लेकर चला जाता है। इसीलिए रात को अगर स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करना पड़े ना, तो जरा होशियार रहिएगा, ऐसे मत सोइएगा जैसे बेहोश हो गए हो। जरा कुत्ते की नींद सोना है, कहीं भी आहट हो फट से जग जाना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियोस, जिन्हें देखकर आपको जरूर मजा आया होगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, इससे हमें हौसला मिलता है। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है भैया, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसमें आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा। और हमेशा ही इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और उसके पास वाले बेल आइकन को भी जरा दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।